आज हम पढ़ेंगे 19 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। तो बस आप वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। आज का फर्स्ट पॉइंट है 5 साउथ एशियन कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ एमपीज टूरिज्म प्रमोशन प्लान। अब ये एमपी का टूरिज्म प्रमोशन प्लान क्या है, तो नाम से लग रहा है इसमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश जो अपनी स्टेट है इसको एज अ टूरिज्म प्लेस, एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उसने पार्टनरशिप की है 5 साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। नाम क्या क्या है हम वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में समझ लेते हैं कि एमपी की टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी या टूरिज्म प्रमोशन प्लान क्या है। टू बूस्ट टूरिज्म इन द स्टेट एंड स्ट्रेंथन टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज। वही है, टूरिज्म को प्रमोट करना और जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ अपने रिश्ते थोड़े स्ट्रॉन्ग करना। अब हमने यहाँ पे बात की कि 5 साउथ एशियन कंट्रीज जिनके साथ ये पार्टनरशिप की है, तो उन कंट्रीज का नाम क्या है। साउथ एशियन, ठीक है, मतलब एशिया की हैं, एशिया के सदर्न पार्ट में आती हैं। कौन कौन सी हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, ये तो हो गई 5 कंट्रीज। साथ में मैंने इनकी कैपिटल भी लिख दी है। वैसे तो आपको पता ही होगा क्योंकि सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इनका आपको सबका पता होगा, बट एक बार फिर से रिविजन के लिए, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, नेपाल काठमांडू, मालदीव्स मेल एंड श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल्स काफ़ी टाइम से चेंज होती रही हैं, बट फिलहाल ये है। ठीक है, सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ऐसा ही एक पॉइंट हमने कल या परसों भी पढ़ा था। पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब इंडिया से बाहर आप कोई चीज़ भेजते हैं और उसके बदले आपको पैसा मिलता है, ठीक है, निर्यात करना। तो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया के लिए रही है यूएई। अब ये सेकंड है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो टॉप किसने किया है, यूएसए ने, एंड थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है, नीदरलैंड्स। तो यूएसए टॉप पे है, ये हमने एक दो दिन पहले पढ़ा था। यूएई सेकंड पे है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, एंड थर्ड पे है नीदरलैंड्स। कैपिटल आप तीनों की देखें, ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज मैं कैपिटल से बताती रह जाऊंगी आपको, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, ट्राइलेटरल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज इन द ईस्ट सी। जो ईस्टर्न सी है, ठीक है, वहाँ पे एक ट्राइलेटरल मतलब तीन कंट्रीज की मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो तीन कंट्रीज, साउथ कोरिया, यूएसए, जापान। अब ये दो वाली जो है, साउथ कोरिया एंड जापान, ठीक है, ये एशियन कंट्रीज हैं, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है। सो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, यूएसए वॉशिंगटन डीसी जहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जापान की है टोक्यो। ठीक है, तो याद रखना है साउथ कोरिया, यूएसए, जापान, इन तीनों की ट्राइलेटरल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज ईस्ट सी में हुई है। ईस्ट सी कहाँ पे, आप देखें मैप पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर, इस पेज के लास्ट पॉइंट की ओर, राइट। देखिए इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है G7 कंट्रीज। G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7, जैसे कि G20 है ना आपका ग्रुप ऑफ 20। G20 की लीडरशिप इंडिया के पास है, इसलिए बहुत सारी जितनी भी मीटिंग्स उनकी है वो ऑलमोस्ट इंडिया में हो रही है। एक है जो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, है ना। तो जैसे G20 है ग्रुप ऑफ नेशंस, वैसे ही G7 है ग्रुप ऑफ नेशंस। कौन कौन सी कंट्रीज आती है वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल पहले न्यूज़ देख लेते हैं। G7 कंट्रीज कमिटेड इन एंश्योरिंग कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय। सो G7 कंट्रीज ने ये कमिटमेंट किया है कि हम कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे 2035 तक कम्प्लीटली, इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, मतलब नो एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय 2035। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उस टाइम पे कोई ग्रीन हाउस गैस साथ में जनरेट नहीं होगी 2035 तक। मेनली जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनके थ्रू जो जनरेट होती है एनर्जी, उसे हम कार्बन फ्री एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। सो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिसोर्सेज दैट जनरेट नो कार्बन एमिशंस। उन रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना जिनके थ्रू कार्बन एमिशन नहीं होता है, कार्बन की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2035 आपने साल याद रखना है, G7 कंट्रीज ने कमिटमेंट की है। नाउ G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का तो आपको पता ही है। नाउ ये 7 कंट्रीज जो है G7 का पार्ट है। इट वॉज फाउंडेड एट वॉशिंगटन डीसी में इनको फाउंड किया गया था। इनकी फॉर्मेशन जब हुई थी 1973 में, उस टाइम पे सिर्फ 6 ही कंट्रीज थी,
तो ये G6 होता था, लेकिन सेवंथ कंट्री यानी जो कि है कनाडा, कनाडा जो है सेवंथ कंट्री बनी 1975 से, तो तब से इसके अगर G7 की फॉर्मेशन आए 1973 ऑप्शन ही है, तो आप 1975 कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शंस के बेस पे चलना पड़ेगा क्योंकि चार ऑप्शंस होंगे, है ना, तो उस हिसाब से आपको चलना होता है। एग्जामिनर कभी भी ये दो साथ में नहीं देगा क्योंकि उनको खुद से पता होता है, ठीक है। चलिए, चार पॉइंट्स हमने इस पेज पे पढ़े, हर एक पॉइंट का अपना सिग्निफिकेंस है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की तरफ। आज का फिफ्थ पॉइंट है, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्टारशिप कंप्लीटेड बाय। अब स्टारशिप क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पहली टेस्ट फ्लाइट जो है स्टारशिप की, ये कंप्लीट की गई है स्पेसएक्स के द्वारा, स्पेसएक्स एलन मस्क। सो हम समझ जाते हैं स्पेसएक्स क्या है, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्टारशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, फिलहाल करंट अफेयर अपने दिमाग में घुसाएं कि स्पेसएक्स ने स्टारशिप को टेस्ट फ्लाइटिंग जो थी इसकी वो कंप्लीट की है सक्सेसफुली। अब स्टारशिप क्या है, द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट, आज तक का सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा, मतलब पावरफुल सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट जो अभी तक बना है वो है स्टारशिप, डिजाइन टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून एंड मार्स। मून यानी चांद तक और मार्स तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए ये डिजाइन किया गया है मेनली। थोड़ा सा स्पेसएक्स के बारे में देख लेते हैं, स्टारशिप आपको समझ आ गया, रॉकेट है, स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया है, टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की गई है, मेनली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून एंड मार्स पे छोड़ने के लिए ये बनाया गया है। नाउ स्पेसएक्स क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, ठीक है, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट बनाने वाला एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। इट वॉज फाउंडेड इन 2002 बाय एलन मस्क एंड इट मैन्युफैक्चर्स द फाल्कन 9, फाल्कन हैवी स्टारशिप लाइक रॉकेट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपना सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा ही सेम ही पॉइंट है ऑलमोस्ट। सो फिनलैंड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, फिनलैंड का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर अभी तक का था, इट एंटर्ड इनटू रेगुलर प्रोडक्शन फेज, रेगुलर काम वाला जो फेज है उसमें ये एंटर हो चुका है, समझ रहे हैं। फिनलैंड का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अब अपनी सर्विसिंग मोड में आ गया है, प्रोडक्शन मोड में आ गया, काम करने के मोड में आ गया। जैसे होता है ना कि आपकी जब जॉब लगती है, जैसे बीटेक वगैरह करते हैं तो इंटर्नशिप होती है पहले, अगर आप सही उसमें चलते हैं, कंपनी को लगता है कि आप फ्रूटफुल हो सकते हैं उनके लिए, तो फिर आपको प्रॉपर जॉब मिलती है। तो इसकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, अब इसको जॉब मिल गई, ठीक है, उस तरह से। सो इसका नाम है ओल्किलुओटो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, लार्जेस्ट इन यूरोप, ना ही सिर्फ फिनलैंड में, इवन यूरोप का सबसे बड़ा ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब थोड़ा सा फिनलैंड के बारे में जानते हैं, तो एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, लोकेशन आप मैप पे जरूर देखें एक बार। और यूरोप की बात करें तो हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी मैंने आपको पढ़ाया था, यूरोप के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने थ्रू हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ाई थी, नहीं आपने देखी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। फाइन, ना सिर्फ यूरोप, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वो सारे मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं, ठीक है। अब हम पहुँच गए आज के 7th पॉइंट की ओर, राइट। तो देखिए DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में टॉपिक ऑफ द डे में ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। सो DRDO, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड एट, तो एक तरह से कॉलेज टाइप रख लो, इंस्टीट्यूट टाइप समझ लो, जहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है सब कुछ समझ लो। सो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इनॉग्रेट किया गया IIT हैदराबाद में, ठीक है, बिगेस्ट सच फैसिलिटी इन दी कंट्री, पूरे देश में अभी तक की सबसे बड़ी इस तरह की फैसिलिटी है। टोटल जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस है 15, तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, जो ये अभी IIT हैदराबाद में खोली गई है, DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DIACOE, ठीक है। नाउ इट विल टेक अप फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म डायरेक्टेड रिसर्च नीडेड फॉर DRDO, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे DRDO रिसर्च कर रहा है बट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे ये वर्क करेगा, मतलब DRDO से लिंक करके वर्क करेगा, इन शॉर्ट, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो आप याद कर सकते हैं, ये तो कॉलेजेस भी होते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और डी से हो गया DRDO, आपको क्या याद करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, सॉरी। तो अब इस पेज पे पढ़े हमने 3 पॉइंट्स, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बार बार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए लास्ट में एक बुकलेट के थ्रू पढ़ना, मैगजीन के थ्रू पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये करंट अफेयर एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें फिर हमें रट्टाफिकेशन चलती है, तो
ऑलरेडी आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मिसलिनियस है, आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरमेंट है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको तो हम गिनते भी नहीं हैं बट उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ऑलरेडी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो करंट अफेयर को सब्जेक्ट नहीं बनने दें, करंट अफेयर को अपनी दिनचर्या का एक एंटरटेनमेंट बनाएं कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वाह मतलब कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। अदरवाइज रोज रोज वही हिस्ट्री, वही मुगल, वही दिल्ली सल्तनत, वही ब्रिटिशर्स, वही वॉर्स, वही प्रेस न्यूज़पेपर, है ना। तो करंट अफेयर्स में कुछ न्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला पेज भी हुआ कंप्लीट। आपको बताना चाहूँगी अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए बहुत हो गई बातें, अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 8th पॉइंट है सौराष्ट्र तमिल संगमम। सौराष्ट्र तमिल संगमम ये एक महोत्सव टाइप है, ठीक है, मतलब सेलिब्रेशन है। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ? सोमनाथ गुजरात में शुरू हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र गुजरात तमिल तमिलनाडु ऐसे करके याद कर लेना। सो इनॉग्रेटेड बाय किसने इसका उद्घाटन किया है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इट इज़ अ 10 डेज लॉन्ग कल्चरल इवेंट। कल्चर समझते हैं, तो कल्चरल एक इवेंट है, 10 दिनों तक चलेगा। एंड ध्यान से सुनिएगा, बींग ऑर्गेनाइज अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंदर सौराष्ट्र तमिल संगमम जो है ये जो फेस्टिवल है, जो इवेंट है, कल्चरल इवेंट, ये ऑर्गेनाइज किया गया है टू फोस्टर। अब क्यों किया गया है, क्या है इसको मनाने का मतलब? टू फोस्टर द एज ओल्ड कल्चरल बॉन्ड बिटवीन गुजरात एंड तमिलनाडु। तो वही चीज़ है, सौराष्ट्र गुजरात में है, तमिल तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों के बीच में सालों से, सदियों से जो एक बॉन्ड चलता आ रहा है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मतलब रिलेशनशिप मेंटेन रहे, अच्छे रिलेशंस रहें, बस उसी के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये इवेंट मनाया जाता है। याद रखना है सौराष्ट्र तमिल संगमम सोमनाथ गुजरात में मनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ एक और हमारा 9th पॉइंट जो है वो भी कुछ ऐसा ऐसा ही है कि एक फेस्टिवल, एक महोत्सव के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। थवे महोत्सव। थवे महोत्सव जो है ये एक एनुअल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो मनाया गया, जो एनुअली समझते हैं हर साल ही मनाया जाता है, गोपालगंज बिहार में, ठीक है। नाउ हिमेश रेशमिया विल परफॉर्म हेयर। यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे हिमेश रेशमिया। तो कौन है हिमेश रेशमिया? सिंगर है, ठीक है। वो रानू मंडल को भी ये सामने लाए थे, अगर पता ही होगा आपको, रानू मंडल एक टाइम पे बड़ा ट्रेंडिंग पे चला था इनका। तो थवे महोत्सव गोपालगंज बिहार एनुअल इवेंट हिमेश रेशमिया, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमारा आज का 10th पॉइंट है G20 की मीटिंग। देखिए अब आप देख रहे हैं G20 की मीटिंग्स बढ़ रही है, हर दिन हम एक पॉइंट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं G20 का, है ना। तो G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, नॉट नेशंस, ओनली ग्रुप ऑफ 20, क्योंकि उसमें 19 देश हैं, मतलब 19 नेशंस हैं, प्लस एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है? खुद में जो है ग्रुप ऑफ नेशंस है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस नहीं बोलना, ग्रुप ऑफ 20 है ओनली। नाउ G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन। जो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट हैं उनकी जो G20 की मीटिंग है ऑर्गेनाइज की गई कहाँ पे? वाराणसी यूपी में। 100th इवेंट रिलेटेड टू G20, G20 से रिलेटेड ये 100th यानी सवा इवेंट है, ठीक है। G20 क्या है, अब इसके बारे में अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और फिर आप ही लोग कहते हैं कि हमें शॉर्ट वीडियो चाहिए बट पॉइंट्स भी ज़्यादा चाहिए। तो देखिए G20 के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक ऑफ द डे की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, हेडक्वार्टर फॉर्मेशन एवरीथिंग, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। प्रेसिडेंटशिप हमें मिली है दिसंबर 2022 से कंप्लीट नवंबर 2023 तक हमें मिली है प्रेसिडेंटशिप, तो इसके अंदर जितने भी मीटिंग्स हैं वो इंडिया में होनी है, ठीक है। अब थीम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं जो कि वाराणसी यूपी में हुई, जो कि 100th इवेंट था, तो इसका थीम क्या रहा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लैनेट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लैनेट। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, वैसे अब देखिए इंडिया में काफ़ी लोग अभी भी सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसे पॉपुलेशन है जो अभी भी खेती बाड़ी करती है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन अब इसका इतना रहा नहीं। हम पढ़ते ना GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कितना है, जो ये इंडस्ट्रीज हैं इनका कितना है, सर्विसेज सेक्टर का कितना है, तो अब सर्विसेज सेक्टर का मैक्सिमम हो गया और एग्रीकल्चर का लीस्ट हो गया। एक टाइम पे एग्रीकल्चर का मैक्सिमम होता था, बट लीस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें कम लोग इंडल्ज्ड हैं। एग्रीकल्चर में भी अभी भी बहुत लोग इंडल्ज्ड हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि जॉब्स नहीं है तो अब करेंगे क्या, तो अब जिनके पास खेत है, ज़मीन है, वो ये करेंगे,
है ना। चलिए इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे एक योजना, एक स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्कीम का नाम है आकांक्षित शहर योजना। आकांक्षित शहर योजना लगता क्या है नाम से, कि जैसा आकांक्षित क्या होता है कि जैसी हमारी आकांक्षा है, जैसी हमारी चाह है, वैसा शहर बनाना, कुछ ऐसा लगता है। तो इसको देखते हैं इसके बारे में क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सेंटर्स यहाँ पे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड सिटीज इन इंडिया। जो भी इंडिया में छोटे शहर हैं या जो मीडियम साइज के शहर हैं, उनको थोड़ा विकास करना, उनको थोड़ा डेवलप करना, वहाँ पे बेसिक इमेनिटीज लोगों को प्रोवाइड कराना जिन लोगों के पास नहीं है, मेनली नॉर्मल गरीब लोगों के लिए है। सैनिटेशन की फैसिलिटी है ना, टॉयलेट्स की फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, बट बेसिक से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ी 11 पॉइंट्स, ठीक है। आपसे बार बार कहती हूँ नोट्स बनाएं, क्योंकि आप ही के लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगे, अदरवाइज कहीं पे बार बार ढूंढ के बनाना पड़े ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आपको ऐसे 20 मिनट लगेंगे तो वैसे 40 मिनट लगेंगे, डबल टाइम लगता है नोट्स ढूंढ ढूंढ के बनाने में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।